हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ अर्पण। आज मैं आप लोगों को गिटार का फर्स्ट बेसिक लेसन सिखाना चाहता हूँ। जिन लोगों को गिटार सीखने का बहुत इच्छा है, जिनके पास गिटार है या जिन लोगों ने ऑलरेडी गिटार बाय किया है न्यूली, तो उन लोगों के लिए ये मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाई है। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को बिना स्किप करे फर्स्ट टू लास्ट देखिएगा। फर्स्टली फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को गिटार का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। तो गिटार में आपको पता है जैसे कि सिक्स स्ट्रिंग्स होते हैं, गिटार में ये बॉडी है, इसमें आप देख सकते हैं, इसे साउंड बोल कहते हैं, ये जो है इसे ब्रिज कहते हैं, ये स्ट्रिंग टाइप का ये सैडल है और ये क्लिप्स है जो स्ट्रिंग को मतलब होल्ड करके रखते हैं, और ये सैडल का काम है स्ट्रिंग्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करना। ये जैसे आप देख सकते हैं ये नेक है गिटार का, ये फ्रंट में जो है ये इसे फ्रेट बोर्ड कहते हैं जिसमें पर्टिकुलर फ्रेट्स लगे होते हैं जो 19-20 फ्रेट्स होते हैं मोस्ट गिटार्स में। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नट है जो इक्वल स्ट्रिंग्स को इक्वल रेशो में ये भी डिवाइड करती है, और हेड है, इसे हेड कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 मशीन हेड्स लगे हैं जो स्ट्रिंग्स को ट्यून करती है। तो फ्रेंड्स, ये था गिटार का शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो आइए हम लोग लेसन की तरफ चलते हैं। तो लेसन में मैं आप लोगों को गिटार का जो फर्स्ट बेसिक जो लेसन होता है वो है हम लोग का ओपन स्ट्रिंग प्लकिंग, राइट हैंड ओपन स्ट्रिंग प्लकिंग, जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। तो आप लोगों को पता है फ्रेंड, गिटार प्ले करने के लिए सबसे मेन बात क्या होता है कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी होता है। ये दोनों हाथ आपके स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ये दोनों हाथ में एक टेम्परमेंट, एक टेंडेंसी रहेगा, तभी आप लोग गिटार प्ले कर पाए। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं लेसन की तरफ। लेसन स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्लेक्ट्रम किस तरह से होल्ड करना है, प्लेक्ट्रम को किस तरह पकड़ना है, ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। तो प्लेक्ट्रम आप देख रहे हैं इस टाइप का होता है प्लेक्ट्रम, जो ये पॉइंटेड साइन है प्लेक्ट्रम का, जो इसी से हम लोग प्ले करते हैं। तो हम लोग का जो फर्स्ट फिंगर है इसमें आप प्लेक्ट्रम को इस तरह से प्लेस कर दीजिए, इस तरह से, जैसे कैमरा ये देखिए आप इस तरह रख दीजिए। पॉइंटेड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होना चाहिए आपका, और ये जो थंब है थंब से आप प्लेक्ट्रम को इस टाइप से, इस टाइप से आप ग्रिप करें, ये देखिए इस टाइप से ग्रिप होता है प्लेक्ट्रम। और प्लेक्ट्रम ग्रिप करने के बाद आप लोग को एकदम इनिशियल अगर आप लोग हैं तो आप लोग डाउन 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 अप 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 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से आप लोग ये थोड़ा सा मतलब इस टाइप से आप लोग प्रैक्टिस करें। अगर ये कुछ देर करने के बाद एक टेम्परमेंट, एक टेंडेंसी आ जाता है तो आप लेसन स्टार्ट करें। तो लेसन को आप लोग इस तरीके से स्टार्ट कीजिएगा, 6 3 2 3 1 3 2 3 6 3 2 3 1 3 2 3 2 3 1 3 2 3 4 3 2 3 1 3 2 3 4 3 2 3 1 3 2 3 ये मैंने आप लोगों को स्पीड में दिखाया है। तो इसको आप लोग एकदम स्लो में करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 ये काउंटिंग को आप लोग, ये काउंटिंग को आप लोग, अगर आप लोग के पास मेट्रोनम है तो मेट्रोनम डाउनलोड कर लीजिएगा, मेट्रोनम इजीली मिल जाता है। तो मेट्रोनम में आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो और भी अच्छा होगा, आप लोग का टाइमिंग अच्छा रहेगा। तो 6 3 2 3 1 3 2 3 5 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 4 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 4 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 4 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3
ऑब्वियसली ये लेसन आप लोग का हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो श्योर ये लेसन, ये प्लकिंग को आप अच्छे से बजा पाएंगे। और ये ओपन रिकॉर्ड्स के ऊपर अगर ये प्लकिंग बजाएंगे तो बहुत ही मतलब एक अच्छा मेलोडी निकलेगा। स्टार्टिंग में आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, मुझे भी प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन अगर आप लोग एफर्ट देंगे, कंटिन्यूसली अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो गिटार सीख सकते हैं आप।
तो फ्रेंड्स, आप लोग को अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर मैं कोई न्यू अपडेट्स या वीडियो बना दूँ सबसे पहले आप लोगों को नोटिफाई हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करें, अगर आप लोग को कुछ भी मतलब लेसन आप लोग को सीखना है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर उसे देख के उसके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों के लिए मैं डालूँगा। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। मैं आपको भी इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहूँगा जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में राइट हैंड लेफ्ट हैंड एक्सरसाइज मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। तो आशा करते हैं